हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप सभी के साथ मैं सबका फेवरेट मटन कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैंने 600 ग्राम बोनलेस मटन लिया हुआ है, कबाबी गोश्त है। ये देखिए, इसके लंबे लंबे कट किए हुए हैं ताकि अच्छे से मैं इसे आपको सीक में पिरो सकूं। देखिए कितने अच्छे से ये कट हुआ है, अच्छे से मैंने धोकर इसे साफ कर लिया है। अब कुछ मसाले मैं ऐड करूंगी ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो अब मैं इस पे ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, उसके बाद ये काली मिर्च पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ, और ये है तीखी वाली लाल मिर्च, और वो जो पहले मैंने डाला था वो कश्मीरी रेड चिली था। और कश्मीरी रेड चिली पाउडर बस कलर के लिए होता है, और ये तीखी वाली थोड़ा तीखा होता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं ऐड की हूँ। और ये मैं ऐड करूंगी अब इसमें ग्रीन चिली पेस्ट। मैं ज्यादा ग्रीन चिली पेस्ट ही यूज करके बनाती हूँ, क्योंकि रेड चिली पाउडर वो सूट नहीं करता है, एंड रेड चिली का थोड़ा सा आपको डाइजेस्ट होने में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो ग्रीन चिलीज में ही बनाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाले का पेस्ट, और ये मैं ऐड कर रही हूँ अदरक का पेस्ट, और साथ ही उसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में ही डालें, और सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट है पपीते का पेस्ट, जिसको डालना बहुत ही जरूरी है ताकि जो आपका मटन है अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और कुक होने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तो अच्छी क्वांटिटी में मैंने 2 से 2.5 चम्मच आपको पपीते का पेस्ट डाला है। उसके बाद स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दें, लगभग 1.5 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, 2 बड़े चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल के डाल दिए। गाइस, तो मसाले मैंने ऐड कर दिए, फटाफट से इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच से नहीं मिक्स करें, हाथों से ही मिक्स करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी बोन नहीं होता है, तो इजीली मिक्सअप हो जाएंगे। मसाले अच्छे से मिक्सअप हो जाने चाहिए मटन पीसेज में, और इसे हमें मैरिनेट करना होगा 45 to 60 मिनट्स के लिए, ताकि ये मसाले जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये मसाले आपको मटन पीसेज में कोट हो चुके हैं। अब मैं इसे रख दूंगी 45 मिनट्स के लिए लगभग, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए और हमारा मटन कबाब बिल्कुल भी A1 बनकर रेडी हो। तो ये मिक्स हो गए, अब मैं मिलती हूँ आपसे 45 to 60 मिनट्स के बाद। तो गाइज, ये देखिए मैंने आग जला दिया है। मैं चूल्हे पे आपको मटन कबाब लगा कर दिखाऊंगी, गैस पे नहीं, चूल्हे पे बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। तो ये आग जल रहा है, जब ये थोड़ा सा डिम हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे कबाब बनाना। तो जब तक इसे जलने देते हैं, तब तक हम सीक में मटन को पिरो लेते हैं। तो गाइज, ये देखिए आग अभी जल रहा है, और इधर हमारा रेडी है मैरिनेट हो के मटन। बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हुआ है, लगभग मैंने 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट किया है। एंड ये रहा सीक, 4 सीख हमारे रेडी है, इसी में मैंने मटन को पिरो दूंगी। एंड ये रहा हमारा सरसों का तेल, सरसों का तेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रीस करने के लिए। तो फटाफट से सरसों के तेल से हम सीख को ग्रीस कर लेते हैं ताकि अच्छे से चिकना हो जाए, और मटन जो स्लाइसेस मैं जब इसको पिरोंगी तो बहुत ही अच्छे से स्मूथली हम इसको सीख में डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हमारा मटन मैरिनेट हुआ है, मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुके हैं मटन पीसेज में, एकदम अच्छे से सोख चुके हैं। तो एक एक करके मैं पीस को उठाऊंगी और सीख में डालती जाऊंगी। देखिए ये फ्लैट सा पीस है, इसको 2 से 3 दफा करके, देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ आप देखते रहिएगा। एक स्लाइस में मैं 4 दफा सीख में डाली हूँ, एक बार और मैं आपको करके बता देती हूँ। देखिए थोड़ा ध्यान से करें क्योंकि सीख पॉइंटेड है, बट बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से करोगे तो ये हो जाता है। देखिए 2 स्लाइस मैं डाली हूँ, एंड ये हुआ है 4 to 6 टाइम्स। अगर छोटे पीसेस है तो एक ही बार में डाल दें। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से सीख में मटन पीसेस को डाल रही हूँ। ये बोनलेस मटन है तो फटाफट से इजीली मैं इसको सीख में डाल दी हूँ। एंड लास्ट में मैं सरसों का तेल हाथ में लगा के थोड़ा सा ग्रीस कर दी हूँ, और उसके बाद मैं इसको रख दूंगी आग पे अच्छे से। आग हमारा रेडी है मटन सीख कबाब को सेकने के लिए। तो देखिए 1 सीख कबाब को मैं रख दी, बहुत ही परफेक्ट आग जला है, और इसे घुमा घुमा कर हमें अच्छे से सेक लेना होगा, और दूसरा पीस भी इधर रेडी हो रहा है सीख में जाने के लिए। तो गाइस, दूसरा सीख भी रेडी हो चुका है, इस पे भी मैं सरसों का तेल लगा देती हूँ, एंड दूसरे सीख को भी इसी तरह से रख देना है। इसे कुक होने में हमें लगभग 12 से 15 मिनट लगेंगे, और ये परफेक्टली अच्छे से कुक हो जाएंगे, और इसे घुमा घुमा कर हमें अच्छे से सेक लेना होगा ताकि कच्चे ना रह जाए। बट ये कच्चे नहीं रहेंगे क्योंकि अच्छे से मैरिनेट हुए हैं, एंड मैंने इसमें डाला है पपीते का पेस्ट, तो इसे अच्छे से हम कुक होने देते हैं। तो गाइज, ये देखिए कितने ही अच्छे तरीके से ये पक रहा है, इसे पलट पलट कर अच्छे से हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे एक बैच को रेडी होने में। बहुत ही पेशेंटली इसमें तेल लगाते हुए हमें कुक करना होगा ताकि ये अंदर से ड्राई ना लगे, बिल्कुल भी जूसी लगे। तो इसे अच्छे से पलट पलट कर हमें सेकना होगा ताकि चारों तरफ से आपका इवनली अच्छे से सिक जाए। आप देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है ये, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ।
देख कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही परफेक्ट कुक हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा बट जो टेस्ट आप इसका एक्सपीरियंस करोगे ना वो सबसे बेहतरीन और लाजवाब लगेगा। बिल्कुल भी ऑथेंटिक तरीके से आपको मटन टिक्का कबाब बनाकर दिखाई हूँ, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। ये आपको नान के साथ, पराठे के साथ बहुत ही अमेजिंग लगता है सारा। आपको जब भी आप मटन लाओगे तो आप इस रेसिपी को बनाए बिना रह नहीं पाओगे। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही स्पाइसी बनता है ये, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसे कुक होने में, मैं इसे बीच बीच में आपको मस्टर्ड ऑयल इसमें डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से आपको कुक हो जाए। गाइज ये देखिए कितना ही अमेजिंग तरीके से ये पूरा अच्छे से सिक गया है, बिल्कुल भी रेड रेड हो गया है। इसी तरीके से सारे सीख कबाब को हमें सेक लेना है। आप देख सकते हो, देख के ही मुंह में एकदम पानी आ रहा है, बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है ये, खाने में उतना ही लाजवाब लगने वाला है। थोड़ा पेशेंटली हमें आपको 18 से 20 मिनट लगते हैं इसको परफेक्टली कुक होने में, हर जल्दीबाजी नहीं करनी है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको सेकने में बट ये जब ये अच्छे से परफेक्टली कुक हो जाएंगे तो टेस्ट बहुत ही अमेजिंग लगता है नान के साथ खाने में। तो इसे अच्छे से हमें सेक लेना है, जब ये पूरी तरीके से सिक जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है इसको सेकने में बट इसे पेशेंटली हमें सेकना होगा अच्छे से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये सिक चुका है। अब इसको हम सीख से निकाल लेते हैं। और जब भी आप सीख कबाब बनाओ, वो भी चूल्हे वाला ऑथेंटिक तरीके से, तो आप नीचे बैठ के ही ज़मीन पे ही बनाओ ताकि आप कंफर्टेबल तरीके से आप बना सको, बहुत ही बाजी नहीं हो। तो देखिए कितना ही अच्छे से ये सीख से निकल चुका है और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। आप देख सकते हो कितना परफेक्टली कुक हुआ है। मैं आपको हाथों से तोड़ के भी बताऊँगी बट ये अभी थोड़ा गर्म है इसलिए मैं इसे टच नहीं कर रही हूँ हाथ से। मैं थोड़ा ठंडा होने पे आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ही परफेक्टली कुक हुआ है और बहुत ही अच्छे से आपको ये अंदर तक एकदम जूसी लग रहा है। देखिए आप पास से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज ये लीजिए बनकर तैयार है, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी एंड बहुत ही स्पाइसी मटन टिक्का कबाब। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके बनाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरे स्टाइल से बनाया हुआ ये रेसिपी कैसा लगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और बहुत सारे सपोर्ट कीजिए, बहुत सारे कमेंट्स कीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी आपने बनाई। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।